Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनुअल एग्जामिनेशन की क्लास सिक्स की संस्कृत के क्वेश्चन पेपर. ये एक सीबीएसई स्कूल के क्वेश्चन पेपर हैं जो आज ही इसके एग्जाम हुए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं. 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है. टाइम इसका 3 घंटे का दिया गया. प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्रमानुसार देना है. नंबर 1 खंड क में 5 नंबर के प्रश्न है. प्रश्न क निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे. अतः प्रातः काला अति सुखकर भवति, खग मधुरम पूजन्ति, उद्यानेषु पुष्पाणि विक्षन्ति, पवन सुगंधा शुद्ध च अस्ति, जन भ्रमणाय व्यामाय व गच्छन्ति, यदा पूर्वस्यां दिशायां सूर्या उदयं गच्छति तदा क्षितिजस्य शोभा दर्शनीय भवति. एतत् मनोहर दृश्यं दृष्ट्वा चित्तं प्रश्नं भवति. प्रातः सर्वे जना स्व स्व कार्यं उल्लासेन कुवन्ति, परम अलसा सुप्ता शन्ति, छात्रा प्रश्न मुखेन विद्यालय पहनावा नव जीवनम भव अनुभवन्ति. प्रश्न इससे आते हैं. नंबर 1 प्रातः काला किदंश भवन्ति, के मधुरम पूजन्ति, जन की समर्थम गच्छन्ति, एंड नंबर 4 सर्वे किम अनुभवन्ति, एंड 5 सूर्य काश्य दिशायम उदिते. प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें. ये भी 5 नंबर का प्रश्न है. अजिज दृष्टया स्वामी चकिता भवति, स्वामी सैने सैने पैटी काम उद्घाटिति, घट्टी क्यामा लघु पात्रम आशित, प्रथम श एक लघु पात्रम उद्घाटिति, अहशा एका मधु मच्छिका निगच्छति, तस्य च हस्तम दश्यति, जयामी उचे वदति, अह दिवतीय लघु पात्रम उद्घटयन्ति, एका अनामचिका निगच्छन्ति, श ललाटे दश्यति, पीड़िता पीड़िता श अत्यच चित्तकरोति आ इति अजीज सफल आशित. प्रश्न स्वामी सैने शना उद्घाटिति, 2 सहसा का निगच्छन्ति, 3 क सफला आशिता, 4 लघु पात्र वद्यम पुत्र आशित, एंड 5 स्वामी उचा का वदति. खंड 2 में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें. ये दिया गया है डैश सत्यवद सर्वदा या यथा, असमर्था का विलोम शब्द लिखना है, नाक का तत्सम रूप लिखना है, त्रषा का पर्यावर्ची शब्द लिखना है, फिर एक का बाल का नद्या मग्ना आम और नौ लिखना है, 8 संख्या को संस्कृत में क्या लिखेंगे. नंबर 7 मोहना कार्य डैश गृह गच्छति अब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे. मोहन कार्य डैश गृह गच्छति, 8 डैश रविशार अष्टिय अपि क्या होगा, मयूर बटका शुक्र मंडुका विभिन्न पद बताना है, अजीज परिश्रमी आशिका लट लकार में बदलना है, 11 डैश पठामी वयम पठामी या अहम पठामी, 9 को संख्या में लिखना है, चलचित्रम शब्द का अर्थ लिखना है, नंबर 14 चल धातु को लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में लिखना है, पठावा पद का लकार धातु रूप लिखना है. अब खंड सी 10 नंबर की क्वेश्चन है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है. नंबर 1 मार्गे क आगच्छन स्वामी मूर्खा आशित चतुरा व
कति बालका अश्नानाया अगच्छन श्रगलस्य मित्र कः आशिता अन्य मच्छिता दश्यति त्रिष्कात दूरे की तृष्ठति हुमाया की रोचते अस्थालिता का भोजन न अखादते श्रमेण का शर्षा भवति का दुष्ट न सकोंति। हेलो गाइस, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगी, हो सकता है संस्कृत में मेरे कुछ उच्चारण सही न हो, संस्कृत मेरा चैप्टर नहीं है, इसीलिए हो सकता है, तो इसे आप माइंड ना करें, इसे देखकर इसको समझने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा मकसद ये है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, आप इसकी तैयारी कर सकें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। प्रश्न 10 का है, 20 नंबर का प्रश्न है। वायुयानम की द्वशम वृक्ष की दशम भवनम च कांतव्य उपरी गच्छति हुमाया भग्नि कश्य पछे किडन्ति अजीजा गृहं गन्तुं की वाच्छति कृषका सर्वेभ्यः की यच्छन्ति पथिका किम् अवदत हुमा इंदर फेकन प्रशन च कुत्र गच्छति सेवन बक शिग्रालशे भोजने किम् अयच्छत बैडमिंटन क्रियायाम फेकनस्य सहयोगिना क अस्ति वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम अजीज कं व्यथां श्रवयन्ति। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। अभिगेन अग्रिवे दीनश भोजनाय शिग्रालस्य निवासम अगच्छत कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थलाय बकाया चिरोदन अयच्छतम बक्कम अवदत च मित्रे आश्मिन पात्रे आयाम अधुना शैदे खादाव भोजने काले बकस्य चक्षु स्थिलात भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत अतः बक केवलम शिरोदनम अपशयत। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में उच्चारण करना है। किस्में शरीरम सर्वेदम कम पश्यम सदा हरेन व कुदालेन तो तू क्षेत्राणी पश्यदा। नंबर 8, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया गया श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न के उत्तर में न आया हो। एंड खंड घ में खंड ख जो 5 और 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं। विवाह निमंत्रण पत्रम संस्कृत में पत्र लिखिए एंड 10 ममम पुस्तकम विषय पे संस्कृत में निबंध लिखना है। तो आई होप आपको बहुत कुछ इसमें से आइडिया आ गया होगा कि एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के संस्कृत में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।